आपने नाक में नकेल डालने वाली कहावत तो सुनी होगी। खतरनाक अपराधियों के लिए कुछ ऐसी ही तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी की है, लेकिन नाक में नकेल डालने वाली नहीं बल्कि उनके पैरों में डिवाइस लगाने वाली। तकनीक तैयार है, उसके बाद गंभीर अपराध वाले सभी शख्स कश्मीर पुलिस के रडार पर होंगे। जम्मू की एनआईए अदालत का परिसर, कुर्सी पर बैठा गुलाम मोहम्मद भट्ट टेरर फंडिंग का आरोपी है, पहले से जमानत पर बाहर है। इस शख्स को अदालत ने एक और मामले में बेल दी है, लेकिन शर्त के साथ। जज साहब ने कहा है गुलाम मोहम्मद की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुलिस इसके पैर में जीपीएस एंकलेट पहना दे। फिर क्या था, पुलिस ने जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया और गुलाम मोहम्मद जीपीएस एंकलेट पहनने वाला देश का पहला आरोपी बन गया। और इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली जम्मू कश्मीर पहली ऐसी पुलिस। यहाँ का बंदा जाके नोन जगह पे जाके वहां पे बेच रहा है, या उसको कहा गया है कि तुम अपने जिले के बाहर नहीं जाओगे परमिशन के बाहर, और जा रहा है, ये सब अभी मॉनिटर हो जाएगा। इससे आवाम को फायदा मिलेगा, नारकोटिक्स में कमी आएगी, टेररिज्म में कमी आएगी, दंगा फसाद में कमी आएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि आखिर ये जीपीएस ट्रैकर होता क्या है। ये ऐसा डिवाइस है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर लगाया जाता है। इससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। पुलिस की टेक्निकल यूनिट के अफसरों पर सर्वेलेंस का जिम्मा रहता है। आमतौर पर हाई क्वालिटी का जीपीएस एंकलेट ट्रैकर 12,000 रुपए का आता है। जीपीएस ट्रैकर की मदद से ऐसे अपराधियों पर नजर रखी जाएगी जो जमानत लेकर जेल से बाहर आते हैं और फिर से ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो देश विरोधी होती है। इस काम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एसआईए को काम सौंपा गया है और एक नया कमांड सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे 24 घंटे ऐसे अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। ये ट्रैकर क्यों जरूरी है, क्यों देश की और जेलों में भी कुख्यात कैदियों पर यह इस्तेमाल होना चाहिए? इसकी वजह है कई नामी आरोपी जमानत मिलने के बाद विदेश भाग जाते हैं और वहां बैठकर अपने अपराध का साम्राज्य खुलेआम चलाते रहते हैं। ऐसे कई नाम हैं, मैं पंजाब के कई गैंगस्टरों की मिसाल देता हूं, वो सभी गैंगस्टर्स विदेश से ये काम कर रहे हैं। पहला नाम लखवीर सिंह उर्फ लंडा का है, जिसे मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और तरन तारण में पुलिस थाने पर रॉकेट अटैक का आरोपी माना जाता है। 2017 में लखवीर सिंह को जमानत मिली थी और वो कनाडा भाग गया, अब वहीं से सारा ये अपनी गतिविधियां चला रहा है। गैंगस्टर लकी पटियाल, वो भी 2019 में पैरोल पर छोटा था, आर्मेनिया भागा, आर्मेनिया में पहले हाउस अरेस्ट हुआ, उसे पकड़ा गया वहां पर, अब वो या तो अमेरिका में है या आर्मेनिया से ही अपना गैंग चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, उसका भाई है, छोटा भाई अनमोल, 2021 में उसे जमानत मिली और फर्जी दस्तावेज के दम पर वो विदेश भाग गया, अमेरिका से अब अपना नेटवर्क चला रहा है। सबसे खतरनाक आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा, जो 2014 में उसे जमानत मिली थी और वो अब बचते बचाते महाराष्ट्र पंजाब होते हुए पहुंच गया है पाकिस्तान और वहां से कई सनसनीखेज और आतंकी हमलों को और टारगेट किलिंग को अंजाम दिलवा चुका है। देश भर की जेलों में लाखों कैदी बंद हैं, कई ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं और जीपीएस वाला सिस्टम लग गया तो जेलों का बोझ उससे कम हो जाएगा, उन कैदियों को छोड़ सकते हैं, आप जाइए उनकी ट्रैकिंग करते रहिए, उससे कैदियों को भी राहत मिलेगी और कम से कम जेलों को भी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।